बागेश्वर धाम दरबार के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के गुरु ने बताया सच। टीवी के माइंड रीडर सुहानी और बागेश्वर वाले बाबा में क्या है फर्क, जिसे सुनना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। कौन है बागेश्वर धाम वाले बाबा के गुरु जिनका ज्ञान हाथ जोड़ने पर मजबूर कर देगा? ये वो गुरु है जिनके आगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़ लेते हैं। 22 भाषाओं में पारंगत जगत गुरु ने 2 साल की उम्र में खो दी थी अपनी आंखों की रोशनी। क्या है बागेश्वर धाम वाले बाबा के चमत्कार का सच? गुरु ने बताया धीरेंद्र शास्त्री का सत्य। हमसे अंग्रेजी हिंदी नहीं बोली जा रही है, बागेश्वर वाले बाबा के गुरु ने बिना देखे सीख लिया है 22 भाषाओं का ज्ञान। बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के गुरु का ज्ञान देख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़ लेते हैं। रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, वज्र विलास आदि ग्रंथों के अक्षर अक्षर जगत गुरु राम भद्राचार्य को रटे हुए हैं। किस पन्ने पर क्या लिखा हुआ है और किस दोहे का अर्थ क्या है, ये पलक झपकते बता देते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य, इतने ज्ञानी व्यक्ति ने धीरेंद्र शास्त्री जैसे नौसिखिया युवक को ही क्यों चुना? इसका उत्तर जगत गुरु ने बताया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो कर सकते हैं कि ऐसा कोई और भी कर सकता है, जगत गुरु ने बताया, जिसे पूरे हिंदुस्तान को सुनना चाहिए। जिस धीरेंद्र शास्त्री के पीछे पूरा देश लगा हुआ है, उनकी सच्चाई को एक तरफ देख कर या दिखाकर किसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, यह भी समझना जरूरी है। धीरेंद्र शास्त्री के गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य परम ज्ञानी है। 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जन्मे जगत गुरु की आंखों की रोशनी नहीं है। 2 साल की उम्र में ही उन्हें बीमारी हो गई थी जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बचपन में उन्हें भारतीय ग्रंथों की शिक्षा उनके दादा ने दी। महज 3 साल की उम्र में राम भद्राचार्य ने श्री राम पर अपनी रचना कर ली। जिस दादा को सुनाया तो वो भी दंग रह गए। बड़े होकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि ली। इधर बिना किसी ब्रेल लिपि के इस्तेमाल के उन्होंने 22 भाषाओं का ज्ञान पा लिया। अब तक उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। इसमें 2 संस्कृत और 2 हिंदी के महाकाव्य भी शामिल हैं। राम भद्राचार्य न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, उन्होंने सुनकर शिक्षा हासिल की है, बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। उनकी इस ज्ञान के कारण भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जिस सनातनी गुरु पर सवाल उठ रहे हैं, हर टीवी चैनल में बुरा कर दिखाया जा रहा है कि माइंड रीडर का कर्तव्य एक के बाद एक धुरंधर, माइंड रीडर नाम काम पता बताकर लूट रहे हैं महफिल, उन सभी के लिए धीरेंद्र शास्त्री के गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य ने क्या कहा, तब तपस्या, एकाग्रता और निष्ठा से कुछ भी किया जा सकता है। किसी के दुख दर्द समझना और उसका हाल हुलिया बताना, ये भी कोई भी कर सकता है। फिर बात आए धीरेंद्र की, तो शुद्ध मन का बालक है। जगत गुरु कहते हैं कि धीरेंद्र का आचरण और चरित्र दोनों शुद्ध है। सनातन चरित्र की पूजा करता है, उसका चरित्र शुद्ध है, तभी वह राम दीक्षा के लिए चुना गया। उसने तपस्या की, विद्या ग्रहण किया, यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य की माने तो हम आप कोई भी ये विद्या और दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसके लिए कठिन परिश्रम और लगन की जरूरत है। ये लगन धीरेंद्र शास्त्री में है तो उन्होंने ये प्राप्त किया। जब बात चमत्कार की आती है तो धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं करता, जो भी होता है बालाजी के आशीर्वाद से होता है। आस्था किसी व्यक्ति या भगवान किसी पर भी नहीं हो सकते। फिर हम अगर कुछ हासिल करते हैं तो कहते हैं कि उनके ही आशीर्वाद से हुआ है। अगर माइंड रीडर माइंड रीड कर हाल हुलिया बता सकता है, तो धीरेंद्र शास्त्री ने बालाजी का आशीर्वाद बताते हुए यही किया, तो अलग कैसे हो गया? आज देश में अंधविश्वास की चर्चा है, विज्ञान और तप तपस्या से कुछ भी हासिल हो सकता है। ऐसे में ये भी किसी बाबा पादरी या मौलवी के छलावे में न आए, विश्वास इतना ही करे जिससे आपका विनाश न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।